पूजा की थाल तैयार है, पूजा करने नहीं जाओगी क्या? सच कहते हो, मैंने शिव जी के मंदिर में मन्नत मांगा था कि जब मैं बीए में फर्स्ट आऊंगा तब मैं शिव जी के दर्शन के लिए आऊंगा। ओ हम तो इन्हीं चरणों में जीवन के मिले सुख सारे, मिले सुख सारे इनकी ही कृपा से, जागे भाग्य हमारे इनकी ही कृपा से, जागे भाग्य हमारे इनकी सेवा कर न सके जो, इनकी पूजा कर न सके तो जीना है बेटा तुम्हारा प्यार लगे कभी। बस रहने दे, रहने दे, तुम्हारा प्यार न छूटे। ऐसा कर, विजय मंदिर गया हुआ है, जा उसके साथ पूजा की सामग्री लेकर के जाओ। हाँ बिल्कुल ठीक है, जाओ। अब घंटा बजाने के लायक रह गए हो तुम, तो जाओ। देखो तुम जाके मंदिर मंदिर की साफ सफाई कर देना ममता जी। स्वामी जी कल का न्यूज पेपर तूने पढ़ा होगा, ये डाक में सरकार ने 50,000 के नाम रखा था, मैंने उसे गिरफ्तार करके जेल की सलाखे में डाल दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, क्योंकि आपने एक खूंखार दरिंदे को पकड़ रखा है और उसे आप फांसी दिलाकर ही रहना स्वामी जी। कल तिहाड़ जेल में उसकी फांसी होने वाली है, अभी ठीक 10 बजे, लेकिन जब तक डाकू धुर की फांसी न जाती अपना और बच्चे का ध्यान रखना, क्योंकि डाको सूरज का गिरफ बहुत बड़ा है। ठीक है स्वामी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना और मुन्ने का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखूंगी। जाने से पहले मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, घर के दरवाजे घर की खिड़कियां बंद रखना, जान पहचान बिना घर के दरवाजे घर की खिड़कियां नहीं खुलना चाहिए। क्यों नहीं स्वामी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना और मुन्ने का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखूंगी। अच्छा मैं जरा हूँ, चिट्ठी लाया है होली प्रजापति ग्राम महार निवासी, 500 रुपया चंदा दे रहे, शुक्रिया। वेरी गुड। अच्छा ममता जी, स्वामी जी मैं जा रहा हूँ, जाते जाते फिर भी कहना है अपना मुंडी का ध्यान रखना। ठीक है स्वामी जी, आप चिंता मत कीजिए, आने वाले 15 तारीख को फिर अपने बच्चे को देखने के लिए आ रहा हूँ। क्यों नहीं स्वामी जी। अच्छा नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। पति कहाँ पे है ये बताओ पहले कि तुम कौन हो जो इस तरह मेरे घर में घुस आए हो। मैं नाम डाकू सूरज सिंह है। क्या आज मैं तेरे सुहाग को मौत के घाट उतारने आया हूँ? मैं नहीं बताऊंगी किस वक्त मेरे पति गए हुए कहाँ पर हैं। नहीं बताएगी? हाँ। कोई बात नहीं, चल मेरे साथ चंबल, और जहाँ भी होगा खुद देखो चम्बल आ जाएगा। नहीं, मैं तेरे साथ चम्बल नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? हाँ। तू क्या तेरे फरिश्ते भी
मेरे साथ चलेंगे। चलती है कि तुझे मैं रस्से से बात के लिए मैं तेरे साथ चमल ले जाऊंगी। ए चमक छल्लो मान जा मेरी बात को। और बांध दिया जाए या छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या किया जाए। हेलो ये आगे कन्हैया भाई साहब अल्लाहपुर के आसुर आसुर के पंजा साल तू नहीं बोल सकती ना। ये बच्चे को लेकर कहां गई ममता ममता बता। देख के क्या लिखा है इंस्पेक्टर जो सिक्के में मालूम होना चाहिए तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है। दौरे के जान की सलामती चाहते हो तो चंबल घाटी चले आना अन्यथा तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे को मार के पहाड़ी से फेंक दूंगा। तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू सूरज सिंह हराम जादे
शूर सिंह मैं आ रहा हूं हराब दादे, मैं आ रहा हूं हराब दादा। खुद का खाद चमला जाएगा। हेलो, मैं आ गया सोरा सिंह, छोड़ दे मेरी पत्नी को, छोड़ दे मेरे बच्चों को, हराम जाता फाग दे रिवाल्वर। आज आया हूं पहाड़ के नीचे। ये तेरे कोई बहादुर नहीं हराब दादे, एक औरत का सहारा लेने वाले कट्टा। चालाकी किया तो भेजा उड़ा दूंगा। घबराओ नहीं पटन, तरवा हा करूंगा कि आज के बाद तू सारा कानून से नफरत करेगा। नफरत तो ये एक पुलिस वाले की पत्नी है, ऐसे गद्दार के सामने हाथ जोड़ना ये पुलिस वाले के ताइनों की ममता, एक पुलिस वाले के ताइनों की ममता। मैं आपको इस तरह मारते हुए नहीं देख सकती हूँ, मैं सुहाग को छोड़ दूँ। नहीं ममता, ये तेरा सुहाग अपने फर्जीमान के लिए मिट जाएगा, लेकिन ऐसे गद्दार के सामने हाथ जोड़ो एक पुलिस वाले का ताई नहीं होगी ममता। इसके बदले तुम जाए मेरी जान ले लो, पर मेरे सुहाग को छोड़ दो, मैं आपके आगे पैर बन। तेरे सुहाग को छोड़ दू, दुश्मन को छोड़ दू, दुश्मन को सूरज से कभी नहीं बख्शता, कभी ना। सुना है तुझे सरकार ने 50,000 का इनाम ऐलान किया है, सरकार तुझे बाद में इनाम देगा, उससे पहले सूरज सिंह तुझे इनाम देगा। वो इनाम दूंगा जिंदगी भर याद करेगा इस पटान, जिंदगी भर। जिंदगी भर क्या याद करेगा इस पटार, जिंदगी भर। जाते हैं हराम जाते, मुझे भी गोली मारते, मेरी भी जीवनी लग खत्म करते, मुझे भी गोली मार दे हराम जाते। तेरा वो हाल करूंगा कि दुनिया तुझ पे थूकेगी, तुझ पे।
आ तेरा वो हार करूंगा कि दुनिया तुझ पे धोखेगी। इस पटल हाथ मुझे दे दे, हाथ मुझे दे दे। चला था सूरज सिंह से टक्कर लेने पटल। आ चलते हैं चंबल की ओर। इस पटर की धर्म पत्नी की गोदी में बच्चा, यानी इसका बोला अगर जीवित रहा तो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसे मारूंगा, जरूर मारूंगा। तुझे मैं यहां नहीं मारूंगा, तुझे पहाड़ी को पले जाकर मार दूंगा। तू कुत्ते की मौत मरेगा। साथियों आओ चलते हैं चंबल की ओर। दोस्तों ओम जय हिंद। सजीवन संगीत नृत्य कला मंडल की ओर से आज की रात फिल्म देख रहे हैं दुश्मनी की आग ग्रुप दूसरा सुहाग। देखिए अर्जुन का बेटा विजय मंदिर में पूजा करता है। देखिए जब गोली की आवाज सुनता है तो अपने घर की तरफ कैसे झपट के आता है। फिर आगे देखो कहानी में क्या होता है। पिताजी, पिताजी, माँ। बेटा विजय, बेटा विजय, डाको सूर ने तेरी माँ को मार डाला। अरे वो सारा जाते मेरा हाथ काट दिया, मेरे बच्चे को ठले गया, मेरे बच्चे को ठले गया। मेरा पिस्तौल उठा और उस कुत्ते का पीछा कर। जब तक तू डाको सूरज को नहीं मारेगा तेरी माँ के हाथ में को शांति नहीं मिलेगी। बेटा जा, बेटा जा, जा बेटा जा। राम जादे सुरेश सिंह, तुमने मेरे पिताजी का हाथ काट दिया, मेरी माँ को गोली से मार दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।